साथ आशीष केलकर साहब इस समय जुड़े हैं। आशीष जी शुक्रिया आपने समय देने के लिए। सर सबसे पहले तो निफ्टी पे एडवाइस कीजिए, कोई डिप आता है तो एकदम से खरीदारी बढ़ जाती है, तो क्या माने जब तक एफआईज खरीदारी कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं बेचने की, क्या किया जाए निफ्टी पे? रजत जी, अगर कोई डिप आता है मार्केट में तो खरीदारी करने की सलाह होगी। जैसा हमने कहा कि 7690 ये एक अहम सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर डिमांड चलता रहेगा, तो मैं ये मानता हूं कि जब जब यहां पे 7690 तक आज की दिन में मार्केट अगर आता है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ स्टॉक अपने जो डिस्कस किए उसमें भी से भी कुछ अच्छे स्टॉक्स है कि जो यहां से भी ऊपर जाने की संभावना है। राइट, ठीक है, लेकिन अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर ही चर्चा करते हैं। एक तो ये देखिए एचसीसी कैसा लग रहा है आपको, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ था लेकिन एक कुछ आज एक्टिविटी बनी है, क्या ये तेजी पकड़ सकता है स्टॉक? डेफिनेटली इसने एक अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट भी दिया है और वॉल्यूम भी बहुत ठीक ठाक लग रहा है। जो शैडो इंडिकेटर है उनका भी रुझान पॉजिटिव ही है, तो मैं यहाँ मानता हूँ कि यहाँ पे भी खरीदारी करने की कर सकते हैं। जिन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इसमें स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है वो खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 19.80 रुपीज का, और इसका लक्ष्य जो मुझे चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो है 23.80 रुपीज। राइट, मर्केटर कैसा लग रहा है, क्योंकि आज न्यूज फ्लो है कंपनी की जो सब्सिडियरी है उसको मर्केटर लाइन सिंगापुर लिमिटेड में हिस्सा बिक्री की मंजूरी मिली है, एमएलएस में पूरा हिस्सा कंपनी की जो सब्सिडियरी है उसमें बेचेगी, तो क्या किया जाए मर्केटर पे? आज मूव स्ट्रांग है, क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या फिर और अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे ये स्टॉक जो है उसको होल्ड करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि इस स्टॉक ने करीब 16 रुपए से लेकर 22.30 रुपए तक का एक अच्छा रैली दिया था और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है। आज उस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्टॉक होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। इसके लिए हम स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन में रिकमेंड करना चाहूंगा, करीबन 19.60 रुपए का स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन लक्ष्य जो है वो भी सेम 23.30 रुपए तक का ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। ये राइट सर, एक और स्टॉक देखिए जैन इरिगेशन 50 डीएमए के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और अब ये कैंडल्स कैसी लग रही हैं आपको, क्या यहां से और रफ्तार पकड़ सकता है स्टॉक? डेफिनेटली यहां से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बना रहने का रुझान चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस है जैसा आपने सही फरमाया कि लेकिन हम जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें मिला है, और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्टॉक है ये करीबन 64 के लेवल तक भी ये स्टॉक जा सकता है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमें 59 का, और 64 के लक्ष्य के लिए खरीद सकते हैं। राइट, कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्टिविटी शो कर रहे हैं और जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, फार्मा स्टॉक्स पे क्या एडवाइस किया? दो स्टॉक्स में चुनूंगा, जुबिलेंट लाइफ और नेटको फार्मा, दोनों पे क्या करना चाहिए आज ट्रेड में? जुबिलेंट लाइफ जो आपने कहा इन दोनों में से ऐसा देखा गया तो दोनों स्टॉक का चार्ट जो है वो सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन फिलहाल छोटी अवधि के लिए या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं जुबिलेंट लाइफ रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे। इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 404 रुपए का, और इसका पहला लक्ष्य जो है वो 428 रुपए का चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से जुबिलेंट लाइफ को हम प्रेफरेंस देंगे और 404 का स्टॉप लॉस और 428 का लक्ष्य लेके ये स्टॉक खरीद सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जहां पर अच्छा मोमेंटम है और जो आने वाले समय के लिए बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं।